तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं हूँ भावनगर गुजरात, और आज मैं आया हूँ स्वाति के कज़न की शादी में। तो शादी तो वैसे हो गई, शादी परसों थी, और आज यहाँ पे सत्यनारायण की कथा इनके यहाँ। और आज मैं सत्यनारायण की कथा के बाद जाऊँगा बैक टू गुड़गांव। तो बताते हैं आपको हम कैसे जाएंगे। वैसे हमने कैब कर रखी है भावनगर से अहमदाबाद जाने के लिए, और वहाँ से मेरी ट्रेन है आश्रम एक्सप्रेस। तो रही बात मौसम की, तो यहाँ पे तो यार गर्मी है, गुजरात में गर्मी है, भावनगर में सुबह शाम की सर्दी है, और दिल्ली में तो उस टाइम बहुत सर्दी थी जब मैं आया था 31 को। मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर था दिल्ली में, 10 डिग्री 11 डिग्री था, और यहाँ पे इस टाइम है कम से कम 21 या 22 डिग्री चल रहा होगा सुबह का टेम्परेचर। तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी है। तो हम लोग भावनगर से निकल चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद, भावनगर अहमदाबाद हाईवे। ये रही स्वाति, शी इज बिट डिप्रेस्ड बिकॉज शी वॉज थिंकिंग शी हैज बुक्ड ए 4D Coast Tour, बट डिस्पाइट दिस इज स्पूकी इको, वो थोड़ा सा कोई नहीं होता रहता है। आयुष हो रहा है। तो ये हाईवे है 180 किलोमीटर है भावनगर से अहमदाबाद। Place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. हाँ, वो आटा चक्की नहीं थी, वो सॉल्ट की फैक्ट्री थी। आपको दिखाता हूँ, जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, यहाँ पे नमक बनता है, उसको आप नमक के खेत बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक समुद्र का पानी आ जाता है क्या स्वाति? हाँ, यहाँ तक समुद्र का पानी आ जाता है, तो फिर जब वो सूखता है तो फिर उसका ये लोग सॉल्ट बनाते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है, हॉल्ट हम लोग जगह हैं, ये रहा पीछे एंकर। एंकर आर यू? ही इज सेइंग हेलो गाइस। तो यहाँ पे एक्चुअली जब हम भावनगर अहमदाबाद से भावनगर जाते हैं, तो दो तीन बड़ी बड़ी बस सर्विसेज हैं हमारी। एक थी राजधानी, शायद से वो बंद हो गई, आई डोंट नो। एक है राजधानी, एक है तन्ना। ला इधर लिख लो, कहीं UPSC के एग्ज़ाम में ना आ जाए। तो राजधानी वाला जो रुकता है वो यहाँ रुकता था एंकर, और जो तन्ना वाला था वो रुकता है आगे गैलॉप्स करके। तो वो यहाँ, ये रही मेरी गाड़ी इको। मेरे को तो भी मज़ा आ रहा है इसमें भी। अपने यार जैसे जितने भी तरह के संसाधन है सब में घूमो ना भाई। अब गोवा गए थे हम लोग, पूरा गोवा हमने ये इनोवा में घूमे हम लोग, उसमें उसका अलग मज़ा था, इसका अलग मज़ा है। कोई सेंसेस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। पहले यहाँ पे बहुत ढेर सारे वेंडर थे, बहुत ढेर सारी शॉप्स थी यार, अब तो शायद सारी खत्म हो गई हैं। ये दो चार शॉप्स ही दिख रही हैं। पहले यहाँ तक ना पूरा भरा हुआ था, यहाँ पे देखो पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब तो दो चार शॉप्स हैं, उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा। पान पार्लर, नमकीन और साउथ इंडियन पाव भाजी। तो हम लोग अपने हॉल्ट एंकर से आगे चल चुके हैं। तो
से यही बोलूँगा कि अगर आप जैसे अहमदाबाद से भावनगर से भाई तो मेरा ब्लॉग ख़राब कर रहा है मुझे तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप जैसे कि भावनगर से अहमदाबाद या अहमदाबाद से भावनगर जाते हैं तो रेदर दैन मेकिंग ऑल्ट ऑन एंकर यू वुड टेक ऑल्ट एट गैलॉप्स। अब एंकर में ऐसा कुछ है नहीं यार, मेंटेन नहीं कर रखा, खाने पीने के लिए बहुत कम जगह है और बाकी चीज़ें भी बहुत कम हैं, उनकी फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी नहीं है। तो आप गैलॉप्स पे लीजिए, अगर देखिए अगर हम लोग वहाँ पर रुके या फिर वहाँ के पास से निकलते हैं तो मैं आपको वहाँ के फोटोग्राफ्स दिखाऊँगा गैलॉप्स का। धोलेरा धोलेरा किधर है धोलेरा? हाँ वो जा रहा है धोलेरा। यहाँ पे न्यू एयरपोर्ट बन रहा है एज़ पर विश्वसनीय स्रोत फ्रॉम स्वाति शर्मा कि यहाँ। तो स्वाति जी आपका भावनगर तो अभी छूट रहा है, सो डू यू वांट टू से एनीथिंग? वन सेकेंड, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो गुजराती में बोलो। देखो गुजरात की गुजरात के लोग भी देखेंगे ना इसको। થોડો ઓછો ટાઈમ ગયો હતો ફ્રેન્ડ્સને મળવા માટે, બટ હા બે દોસ્તાર તમારા જ હોલ ઉપર જ આવી ગયા હતા મળવા, એટલે બધી વાતો કરી થોડી ઘણી, બહુ વધારે તો ટાઈમ ના સ્પેન્ડ કર્યો, 15-1 મિનિટ મળી હતી ખાલી। અને કાલે એક ફ્રેન્ડના ઘરે ગયા હતા, એ બી મજા આવી એના ઘરે, એમનો છોકરો ને મારો છોકરો બે રમી લીધા, બાંધી લીધા, બધું કર્યું। પછી એને એવું કેવું છે કે હા ભાઈ ગુજરાતના જેટલા ફ્રેન્ડ્સ હતા, એસ્પેશિયલી સ્કૂલ્સના, કોલેજની વાત જ કરતી, સ્કૂલના જે ફ્રેન્ડ્સ છે એ ખૂબ જ સરસ છે, અને આજે બી સ્કૂલના ફ્રેન્ડ્સ બધા એકબીજાને યાદ જ કરે છે, એ લોકોનું ગેટ ટુગેધર હોય છે। હવે આપણે તો ઘરે જોવાનું હોય એટલે બહુ ગેટ ટુગેધરમાં જવાય નહીં એટલા માટે, બાકી મને મજા આવે ગુજરાતમાં, હવે જોઈએ ક્યારે આવે છે પાછા। બાય બાય भाई भाई मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई नहीं नहीं आई तो मैं बाद में ट्रांसलेट करा के नीचे लिख दूंगा। हाँ बैठ, तू भी भाई बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। बाद में मैं ट्रांसलेट करा के उसके नीचे लिखवा लूँगा मैं। तो हम लोग अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, ट्रेन हमारी पीछे ये खड़ी है, यह आश्रम एक्सप्रेस है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे खड़ी है। तो अभी ट्रेन खुली नहीं है तो हमने सोचा जब तक नहीं खुली तब तक कुछ नाश्ता किया जाए, मेरे पास है वड़ा पाव। और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ये ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग जनरली रोड ट्रैवल का था, ट्रेन जर्नी हम कभी और कवर करेंगे आश्रम की, तो या तो कंटिन्यू करेंगे नहीं तो फिर इसको नहीं तो इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर। चलिए बाय बाय। क्या बाय बाय? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।